हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। दोस्तों, आप जो थंबनेल में यहाँ पढ़ रहे हैं, रिलायंस की चार कंपनी डूबने वाली हैं। हाँ दोस्तों, कंपनियाँ डूबने वाली हैं। अगर आपके पास इससे रिलेटेड शेयर है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ सेल कर दीजिए, नहीं तो आपको फ्यूचर में और लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है। तो चलिए मैं दिखाता हूं। तो चलिए दोस्तों, उस कंपनी के नाम लेने से पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर पहले लिखा हुआ है डोंट बाय दिस। ये दोस्तों मैंने नहीं लिखा, यहां मार्केट से न्यूज़ आया है, डोंट बाय दिस इवन एट द 90-95% डिस्काउंट। मतलब कि दोस्तों, अगर उस शेयर में आपको 90-95% डिस्काउंट मिल रहा है, फिर भी आपको उसमें एंट्री नहीं लेना है। स्टॉक टर्निंग आउट टू बी द वैल्यू ट्रैप्ड। मतलब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यही ट्रैप्ड का मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, किसी को ख़तरनाक जगह पर या बुरी हालत में फंसा कर रखना, ट्रैप्ड का मतलब दोस्तों, किसी को बुरी हालत में फंसा कर रखना, मतलब वो दोस्तों बस आपको फंसाने वाला है और फंसा भी चुका है बहुत लोगों को। और दोस्तों, मीनिंग है उसका फंसा कर रखना, मतलब वो अभी और फ्यूचर में आपको फंसाने वाला है। तो मैं आपको दोस्तों पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है। तो प्लीज़ कृपा करके वो निकल जाइए उस कंपनी से। अभी मैं उस कंपनी का दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अनिल अंबानी से रिलेटेड जितने भी कंपनी है दोस्तों, जितने भी कंपनी है, यहाँ पर देखिए अनिल अंबानी ADAG ग्रुप स्टॉक रिलायंस कम्युनिकेशन। सबसे पहला दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन फॉल 95%। रिलायंस कम्युनिकेशन दोस्तों वो कंपनी ही पूरा ख़त्म हो चुका है। और फिर यहाँ पर देखिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 92%। हालांकि इसमें 8% है, वो भी टूट जाएगी, उसको भी जाने में टाइम नहीं लगेगा। और फिर यहाँ पर देखिए रिलायंस पावर 89%। तो दोस्तों, रिलायंस से जितने भी स्टॉक हैं आपके पास, एक्सेप्ट वन, वो कौन सा है दोस्तों? मुकेश अंबानी जी का कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, उसको छोड़कर, उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, ये जितने भी कंपनी है दोस्तों 90% से भी ज़्यादा गिर चुके हैं यहाँ। तो ये 95% भी गिर चुका है। और यहाँ पर आप एक और चीज़ देखिएगा, तो देखिए दोस्तों रिलायंस होम फाइनेंस 86%, ये भी दोस्तों गिर चुका है। और ये भी देखिए, एक रिलायंस का ही कंपनी है दोस्तों, गिर रहा है। तो अब भी हाँ दोस्तों, इस कंपनी में थोड़ा सा चेंजेस आने वाला है। रिलायंस नेवल, ये जो भी है दोस्तों, यहाँ पर ये जिसके पास है एक्सेप्ट, ये कंपनी आपको देखिए, ये रिलायंस से ये सेपरेट होने वाला है दोस्तों। ये अनिल अंबानी जी का जो कंपनी है, ये रिलायंस से सेपरेट होने वाला है। और ये जो बस ये दूसरे जगह का कंपनी है दोस्तों, तीन नेवल, ये अलग हो जाएगा। और हो सकता है दोस्तों इसमें होल्ड रिकमेंडेशन दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इवन देखिए 90-95% भी आपको अगर वहाँ डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो प्लीज़ एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपको ट्रैप्ड करके रखा जा रहा है। मतलब दोस्तों, आपको फंसाया जा रहा है, सीधा सीधा यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। अगर इसका हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ आज का भी परफॉर्मेंस देख लीजिए, टोटल लॉस में है दोस्तों, टोटल लॉस में। यहाँ देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन जो 95%, यही सबसे ज़्यादा गिर गया दोस्तों, 0.5। ये दोस्तों बस ऐसे ही तेज़ी आते रहती है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। दोस्तों, जब रिलायंस कम्युनिकेशन का प्राइस 2.20 रुपीज़ चल रहा था, तभी दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपको बता दिया गया था कि सेल कर दीजिए। रिलायंस पावर के बारे में भी मैंने बताया था दोस्तों कि इसको सेल कर दीजिए। अब भी जितने भी यहाँ पर कंपनी देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आपके पास है तो बेहिचक सेल कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ने ये न्यूज़ दिया है, हमारे यहाँ से न्यूज़ नहीं गया है दोस्तों। ये बस मैं आपको अप टू डेट कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ टाइम भी दिखा सकता हूँ। देखिए 10:00, यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए 10:38 को, मतलब 11:00 को ही आया है, मैं आपको 12:00 जो है न्यूज़ दे रहा हूँ। तो जिसके पास भी दोस्तों न्यूज़ दे रहा हूँ, अभी मैं शाम को वीडियो डालूंगा दोस्तों, क्योंकि अभी सब लोग मार्केट में बिजी हैं। और मैं अभी एक ऐसा न्यूज़ बताने जा रहा हूँ आपको, तो हो सकता है बहुत बड़ी झटका लग जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर जेट एयरवे विच वॉज, यहाँ पर देख सकते हैं, जेट एयरवे विच वॉज द ग्राउंडेड इन अप्रैल एंड इट नाउ फेसिंग बैंकरप्सी। तो दोस्तों, जेट एयरवे जो है बैंकरप्सी फेस करने वाला है। और आज का डेट देख लीजिए, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, June 28, 2019। प्लीज़ एक बार दोस्तों, न्यूज़ आया था कि जेट एयरवे को बैंकरप्सी से बचा लिया गया है, इसीलिए इसमें दोस्तों बहुत बड़ी उछाल देखी गई थी। इसका अगर हम लोग लोएस्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर,
देखिए दोस्तों, इसका लोएस्ट पॉइंट जो था 28 रुपीज़ 27 रुपीज़ था। और जिस दिन दोस्तों न्यूज़ आया है कि जेट एयरवे को बैंक्रप्सी से बचा लिया गया है, उसी दिन दोस्तों इसका प्राइस डबल से डबल तक हो गया था। इसीलिए दोस्तों इसमें बहुत बड़ी उछाल देखी गई थी। लेकिन आज के डेट में जो न्यूज़ आ रहा है वो मैं आपको अप टू डेट बता रहा हूँ कि इसका प्राइस अब गिरेगा। और दोस्तों वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जेट एयरवेज जो है बैंक्रप्सी होने वाला। तो प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसे ऐसे कंपनियों से दूर रहें जिसमें बहुत सारे गड़बड़ है और बहुत सारा प्रॉब्लम है। अगर आपको ब्लू चिप कंपनियाँ ख़रीदना है दोस्तों, तो फिर मैं आपको वीडियो अपलोड करके आपको बताऊँगा कि आपको कौन से कंपनियाँ ख़रीदना है। फिलहाल तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जेट एयरवे और रिलायंस से रिलेटेड जितना भी कंपनी है एक्सेप्ट रिलायंस इंडस्ट्री उसको छोड़ के। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब इसका प्राइस दोस्तों बहुत नीचे चला था 29 रुपीज़, और जैसे ही दोस्तों इसमें तेज़ी आई डबल, तभी से दोस्तों इसमें बहुत लोग जो हैं ख़रीदारी करके फंस चुके हैं, इसमें जो अपना पोजीशन बना के फंस चुके हैं। लेकिन मैं उनसे अपना निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अभी भी टाइम है, जैसे कि वहाँ पर न्यूज़ बताया जा रहा है वो न्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको निकल जाना चाहिए। अगर हम लोग NSE के वेबसाइट पर जाके देखते हैं जेट एयरवे को, देख सकते हैं यहाँ पर जेट एयरवे को, तो दोस्तों आज भी ये लॉस ही दे रहा है। अगर इसका हम लोग हाईएस्ट देखेंगे तो 74 तक गया था। लेकिन न्यूज़ दोस्तों देखिए, एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, अगर आप सच में डेली वीडियो देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, तो आपको देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए हाईएस्ट देखिए कितना गया है, 74 रुपीज़ गया है, ठीक। तो ये सुबह से, और दोस्तों न्यूज़ कब आया, 10:30 to 11 बजे तक न्यूज़ आया, 11 o'clock तक दोस्तों न्यूज़ आया है, तो उसके बाद से गिरना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों अगर ये न्यूज़ सबसे पहले आपके पास चला जाएगा तो आप बच जाएंगे। तो दोस्तों अभी भी आपके पास टाइम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अप टू डेट रह सकते हैं दोस्तों। इससे आपको हर एक चीज़ और परफेक्ट नॉलेज मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, बाय से ज़्यादा सेल का पोजीशन ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए बाय से ज़्यादा सेल करने का पोजीशन ज़्यादा है। और फिर यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इसमें, तो दोस्तों अभी मार्केट ओपन है लेकिन इसमें अभी कुछ भी नहीं बता रहा है। जिस दिन दोस्तों उसका प्राइस इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ था उसी दिन मार्केट ओपन होने तक अगर चेक किए था दोस्तों, चेक किया था मैंने, तो वहाँ पर देखा था यहाँ पर 8% जो था डिलीवरी था। अभी तो फिलहाल यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं शाम को फिर एक इसके लिए जेट एयरवे के लिए परफेक्ट वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। अगर आप कोई भी शेयर्स में फंसे हुए हैं तो बिल्कुल दोस्तों हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रहता है, आप कॉल कर सकते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं। अगर कोई भी शेयर्स में फंसे हुए हैं तो बिल्कुल कॉल कीजिए। और दोस्तों जो लोग भी UPL और S इसको जो दोनों को बाय करके रखे हैं दोस्तों, होल्ड कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये शॉर्ट टर्म के लिए है, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। क्योंकि जो लोगों ने मेरे वीडियो को देख के इसको बाय किया है, मैं बता देना चाहता हूँ कि UPL बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है दोस्तों, बहुत ही स्ट्रांग एंड स्टेबल कंपनी है। इसका प्राइस फिर से उठेगा। और लेकिन हाँ, मैंने ये नहीं बोला दोस्तों इंट्राडे के लिए, इंट्राडे दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक और वो एक गैम्बलिंग की तरह होता है। तो इस इंट्राडे के लिए मैं कोई भी वीडियो को सजेस्ट नहीं करता हूं। कुछ लोग जो हैं, मैं वीडियो डेली अपलोड करता हूं, डेली इंट्राडे में वो अपना प्रॉफिट करते हैं और चले जाते हैं। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। देखिए ये दोनों में अभी लॉस आ रहा, लेकिन आप देख सकते हैं DHFL के बारे में बताया तो वो भी, देखिए रिलायंस पावर के बारे में बताया तो उसमें भी प्रॉफिट हो रहा है, देखिए टाटा पावर के बारे में बताया तो उसमें भी प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ LT में तो दोस्तों इसका तो जवाब नहीं दोस्तों, ये इतना प्रॉफिट दे दिया है और भी आपको प्रॉफिट आगे देने वाला है। तो प्लीज़ इसको भी आप नोटिस कीजिए और होल्ड करके रखिए दोस्तों। इसका जो मेरा टारगेट है 1600 टारगेट है दोस्तों, अभी 1550 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, तो प्लीज़ इसको भी बाय कीजिए। और यस बैंक पीछे तो दोस्तों कभी घूर के भी मत देखेगा। और अरिंदम फार्मा का दोस्तों, इसमें भी हमें बहुत अच्छी प्रॉफिट मिली है दोस्तों, जब इसका प्राइस बहुत नीचे था। अराउंड मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये है अरिंदम फार्मा, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अरिंदम फार्मा का मैंने वीडियो अपलोड मारा था जब इसका प्राइस इधर में ट्रेड कर रहा था, 80 के आसपास में ट्रेड कर रहा था दोस्तों, और आप इसका हाईएस्ट देख सकते हैं। और मैंने दोस्तों, मेरा जो पहला टारगेट था, मैंने बोला था 600 को ज़रूर ये जो है ब्रेक करेगा, वो भी विद इन 1 or 2 days, मतलब दोस्तों कुछ दिन में ही, वो दोस्तों इसको भी ब्रेक करके दोस्तों ये देखिए कितना अच्छा ये दोस्तों हाई बनाया था, देखिए 625 का हाई बनाया था। तो ये है दोस्तों, हमारे यहाँ से आपको डेमो जाती है शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों। अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको चाहिए दोस्तों, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, बस आपका जो है इंटरेस्ट रहना चाहिए।
तभी दोस्तों मैं आपको सही रास्ता दिखा पाऊंगा। देखिए मैंने डाबर के बारे में भी दिखाया था और दोस्तों आप तो देख ही रहे हैं डाबर का प्राइस कितना ऊपर चला गया है। मैं देखिए वीडियो कब अपलोड किया था यहाँ पर, तो देखिए 7 डेज़ पहले, मतलब कि दोस्तों मैं आपको एक दिन पहले ही बता देता हूँ। और देखिए LNT का दोस्तों यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, तो दोस्तों जिसका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला होता है उसको मैं बार बार और चिक चिक के आपको बताता हूँ कि हाँ दोस्तों इसको आप खरीद लीजिए, इसका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है। डाबर में भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ देखिए एक दो, तो दोस्तों मैं आपको बार बार वीडियो बना के अपडेट करते रहता हूँ। तो प्लीज़ जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर हैं दोस्तों उनको दिक्कत की कोई बात नहीं है, अगर आप वीडियो अप टू डेट देखते हैं दोस्तों तो आपको हर एक टाइम जैसे ही न्यूज़ मिलता दोस्तों वैसे ही आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप बीच कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं बोलना चाहता हूं कि मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर रहता है, आप वहां से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और शाम को यह भी मैं बताने वाला हूं कि कौन सा ऐसे ऐसे स्टॉक है जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। दोस्तों गवर्नमेंट ने बताया है आज जो बजट आने वाली है उसके वजह से उसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। जैसे कि इलेक्शन आया था तो एग्जिट पोल की वजह से मार्केट में बहुत बड़ा हलचल मची थी, उसी तरह दोस्तों बजट का रिजल्ट आने वाला है तो उसके वजह से भी मार्केट का प्राइस इंक्रीज होगा। और वो कौन से स्टॉक में होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।